सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए घंटी का बटन जिससे आपको मिल सके हमारी नई रेसिपी सबसे पहले। नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम अरवी के पत्तों के पतोड़े बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी अरवी के पत्तों की। इन्हें हमने धोकर के साफ कर लिया है और पीछे से इनके डंठल काट दिए हैं। बेसन की, रिफाइंड ऑयल की, बारीक कटी हरी मिर्च की, नमक की, लाल मिर्च पाउडर की, हल्दी पाउडर की, धनिया पाउडर की, हींग की, अजवाइन की, अमचूर पाउडर की और जीरे की। सबसे पहले हमने एक बड़ी बाउल में बेसन कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, चौथाई चम्मच अजवाइन, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच हींग, चौथाई चम्मच नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। पेस्ट में गांठें नहीं पड़नी चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फेटेंगे। हमारा बेसन का पेस्ट तैयार है। ये ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना गाढ़ा, इस तरीके का होना चाहिए। अब हम एक भगोने में 2 गिलास पानी गर्म होने रखेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम एक चलनी में तेल लगा लेते हैं। हमने चलनी में तेल लगा लिया है। अब हम अरवी के पत्तों के ऊपर बेसन लपेटेंगे। अब हम एक अरवी का पत्ता प्लेट में रखेंगे और उसके ऊपर से हल्का हल्का बेसन का घोल फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर से दूसरा पत्ता रखेंगे इस तरीके से और हल्के हाथ से दबा देंगे। अब हम इसके ऊपर से भी घोल फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर से तीसरा पत्ता लगाएंगे और इसे फिर हल्का सा दबाएंगे और इसके ऊपर से फिर से बेसन का घोल लगाएंगे। हमने तीसरे पत्ते पर भी बेसन का घोल लगा लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से रोल करेंगे इस तरीके से। अब हम इसे चिकनाई लगी प्लेट में रख देंगे इस तरीके से और इसी तरीके से हम सभी पत्तों को लपेट लेंगे। हमने सभी पत्तों पर बेसन लगा करके रोल बना लिए हैं। हमारा पानी खोलने लगा है। अब हम इसके ऊपर से अरवी के पत्तों वाली चलनी रखेंगे और इसे एक दूसरी प्लेट से ढक देंगे। अब हम इसे मीडियम गैस पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। हमें 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम थाली को हटाएंगे। हमारे पतोड़ों का रंग बिल्कुल बदल चुका है, ये डार्क ग्रीन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे। हमारे पतोड़े पक चुके हैं, ये चाकू पर बिल्कुल चिपक कर नहीं आए। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे पतोड़े ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होकर के ये थोड़ा टाइट हो गए हैं। अब हम इन्हें काटेंगे। हमें इनके आधा इंची के बराबर के पीस काटने हैं। इन्हें इस तरीके से काटें। इसी तरीके से हम सभी पतोड़ों को काट लेंगे। हमने सभी पीस काट लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें बिना फ्राई के भी खा सकते हैं।
अब हम एक पैन को गरम करके उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और कटी हुई हरी मिर्च डाल करके इनको चटकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जीरा अजवाइन और मिर्चें चटक गई हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मसाले को हल्का सा हिला लेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें पतोड़े फ्राई करेंगे। अब इसके ऊपर से 1/4 चम्मच नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल करके इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और इनको अलट पलट करके अच्छे से सेक लें। हमारे पतोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे पतोड़े बनाने आपको कैसे लगे ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।